तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनाते हैं बाइक का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे सामने अभी प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज की सिटी 125X, जो कि बिल्कुल ही न्यू ऑफरिंग है यहाँ पे बजाज कंपनी की तरफ से 125cc सेगमेंट में। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसका माइलेज टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है वो 100ml पेट्रोल ले लिया है और अभी फ्रेंड्स हम इससे यहाँ पे माइलेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे नज़दीक से जो है वो देख सकते हैं एग्जैक्ट 100ml ही हमने लिया है। और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे मतलब माइलेज आएगा आप उसे जो है वो 1 लीटर का कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे 100ml के थ्रू। तो चलिए माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक जो है वो रेडी है और हमारी हेल्प कर रहे हैं दीपक भैया जो कि आज हमारे साथ हैं। तो हम पिलियन के साथ माइलेज टेस्ट करेंगे ताकि एग्जैक्ट जो माइलेज फिगर है वो मिल पाए। और हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल यहाँ पे जो है वो इस बॉक्स में यहाँ पे ले लिया है, मतलब डब्बे में, ताकि वापस आने का पेट्रोल हमारे पास रहे। तो चलिए अब देखते हैं बाइक कितने किलोमीटर चलती है। अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है जो कि इसका टॉप मॉडल है और यहाँ कंपनी आपको डिस्क ब्रेक जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे मतलब ऑप्शन बन जाता है क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहा है डिस्क ब्रेक का। और आप चाहें तो कम बजट है अगर आपका तो आप ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। इसमें फ्रेंड जो इंजन है वो आपको 125cc का मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड इंजन है जो कि लगभग में 10.7 BHP का पावर और 11 Nm के अप्रॉक्सिमेट टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है और ये 5-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाइक कितना माइलेज देती है। यहाँ पर आप किलोमीटर रीडिंग देख सकते हैं 1.7 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में जो है ये चला हुआ है ओडोमीटर में। यहाँ पर मतलब 1.65 आप बोल सकते हैं क्योंकि 6 ऊपर है 7 नीचे है। तो चलिए अब देखते हैं बाइक एग्जैक्टली कितना माइलेज देता है। बैठ जाइए दीपक भाई। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनाते हैं बाइक का। तो ये था फ्रेंड्स इसका एग्जॉस्ट नोट जो कि काफ़ी अच्छा, और इसमें जो भी गियर्स है वो फ्रंट के साइड में है तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें आदत हो चुकी है बैक गियर्स का। तो चलिए अब बाइक को हम ले चलते हैं, देखते हैं बाइक कितने किलोमीटर्स हमारी टोटल चलती है। अभी बाइक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मतलब अभी बाइक एक्सेलरेटर छोड़ रही है हमारी, तो ये जो आगे गियर वाला बात है ये थोड़ा ध्यान रखना होगा मुझे क्योंकि आदत नहीं है ना, तो बार बार मिस्टेक से पीछे ही गियर लगता है। तो अभी बाइक हमने सेकेंड गियर में रखा है और हम बाइक जितना भी चलाएँगे फ्रेंड्स वो यहाँ पर मतलब इकोनॉमी स्पीड में ही पूरा चलाएँगे, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं ले जाएँगे। हमारी जो स्पीड रहने वाली है वो यहाँ पर 40-50 या मैक्स टू मैक्स 60 के अप्रॉक्स में हम ले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं बाइक कितने का माइलेज ऑफर करता है। वेदर काफ़ी अच्छा है और बारिश भी कंटिन्यू हो ही रहा है, तो अगर फ्रेंड्स माइलेज टेस्ट जो है वो अच्छे से कंप्लीट होता है और कहीं अगर बारिश नहीं आता है तो ही ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा, वरना एक मेहनत हमारी और बर्बाद होगी क्योंकि बारिश के कारण काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो है वो दिक्कतें आ रही है। और जल्दी से फ्रेंड्स 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा दें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियोज़ लाने में। काफ़ी बार फ्रेंड्स वीडियोज़ जो है वो बारिश में दिक्कत होता है, 2-3 बार शूट करना पड़ता है एक ही वीडियो को। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप अपना सपोर्ट दिखाएं, इस मंथ तक जो है वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो हमें कंप्लीट करना है, देखते हैं आप लोग कब तक करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं अभी 2 किलोमीटर्स हो चुका है। तो अब देखते हैं बाइक यहाँ पे टोटल हमारी कितनी किलोमीटर्स जो है वो चलती है और कितने का हमें माइलेज डिलीवर करती है। तो कम्फर्टेबल लग रहा है दीपक भैया? हाँ। कैसा लग रहा है, मतलब कोई दिक्कत बैठने में? आराम से, मतलब 50-60 किलोमीटर अगर जाना है तो कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर सिटिंग पोस्चर की हम बात करते हैं तो इनिशियली जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्कुल ही अपराइट बैठा हुआ हूँ मैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब बाइक जो है वो मतलब कम्फर्ट उतना फील नहीं हो रहा है या वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रही है। और यहाँ पर जो हैंडल वगैरह है वो भी बिल्कुल ही अपराइट सेट है, तो उससे क्या होता है कि राइडिंग के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है। और बाकी यहाँ पे टैंक पैड वगैरह जो दिया हुआ है उससे ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलता है। और बाकी फ्रेंड्स आज हम सिटी में ही जो है वो माइलेज टेस्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे से आइडिया लग पाए कि सिटी में ये आपको कितना माइलेज देगा। अगर आपको हाईवे का माइलेज टेस्ट देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम हाईवे का भी माइलेज टेस्ट ले आएंगे। तो आप कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या लगता है कि बाइक कितने का माइलेज यहाँ पर डिलीवर करेगी। बाकी ओवरऑल में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सस्पेंशंस की क्वालिटी की तो वो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट यहाँ पे सस्पेंशंस कंपनी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रही है सेगमेंट के हिसाब से। तो ओवरऑल में अगर हैंडलिंग वगैरह की हम बात करते हैं तो हैंडल जो है वो काफ़ी लाइट है और फ्रेंड्स ईजिली मैनोवर कर सकते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होता टर्न वगैरह लेने में। और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है तो वो आपको हम आगे वीडियोज़ में बताएंगे कि ब्रेक जो है वो कैसा है बाइक का। बाकी पॉटहोल्स वगैरह आ ही रहा है और हमने जो है वो फ्रेंड्स पेट्रोल इसमें ले रखा है तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं पेट्रोल ही ना गिर जाए हमारा। तो चलिए अब डायरेक्टली फ्रेंड्स हम थोड़े दूर बाद आपसे मिलेंगे, यहाँ से पहले निकलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली हमने यहाँ पे फ्रेंड्स 1.6 में जो है वो स्टार्ट किया था माइलेज टेस्ट को, और अभी यहाँ पे बाइक हमारी चल चुकी है 4.6, तो 30 का जो है वो माइलेज बाइक ने अभी हमें दे दिया है। अब देखते हैं कि बाइक और कितने किलोमीटर्स का हमें माइलेज देती है। तो अभी हम थोड़े से यहाँ पे खुले रोड्स में आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे कितना माइलेज मिल पाता है बाइक से, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो 125 सीसी सेगमेंट की ऑफरिंग है। तो ऐसे में फ्रेंड्स माइलेज कितना मिलेगा आप भी आइडिया लगा सकते हैं, बट हम अभी जो है वो चेक कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी आप लोगों का डिमांड आया था इस बाइक के माइलेज टेस्ट को लेकर। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि बाइक जो है वो कितना माइलेज देती है। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma drop top in pocket, swola, 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 swola. तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 6 क्रॉस कर लिया है, 6.7 हो चुका है, और बाइक ने जो है वो अभी हमें यहाँ पे 50 का जो है वो एवरेज दे दिया है। और इसमें भी जो फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोल है वो भी ख़त्म हो चुका है, बस जो पाइप में है वही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने का माइलेज ये ऑफर कर पाता है बाइक हमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाइक ने यहाँ पे झटका लेना स्टार्ट कर दिया है, और बाइक अब फ्रेंड्स और आगे जा नहीं रही है। 7.6 यहाँ पे हमारा हुआ है, 7.7। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोल जो है वो हमारा पूरा ख़त्म हुआ है, और किलोमीटर्स आप देख लीजिए 7.7 यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स 1.7 पे हमने स्टार्ट किया था, 7.7 जो है वो बाइक चली है, तो लगभग में 60 का जो माइलेज है वो बाइक ने हमें डिलीवर कर दिया है। तो ओवरऑल में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और बस यहाँ पर फ्रेंड्स पाइप का जो पेट्रोल है वही बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल था वो हमने ख़त्म कर दिया। आप आइडिया लगा सकते हैं कि माइलेज यहाँ पे आपको कितने का मिल रहा है। तो 125 सी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फ्रेंड्स अच्छा माइलेज है, क्योंकि अभी यहाँ पे फर्स्ट सर्विस वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि बाइक से आपको कितना माइलेज जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स अगर फर्स्ट सर्विस वगैरह हो जाता है तो और भी अच्छा माइलेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग में 65 या 70 के अप्रॉक्स में आप माइलेज जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो ये फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से। अगर आपका बजट जो है वो 85,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में है तो आप फ्रेंड्स इस बाइक को जो है वो परचेज़ कर सकेंगे। ऑन रोड में आपको प्राइजेस बता रहा हूँ जिसमें कि इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड रहता है, तो उस बजट में फ्रेंड्स आपके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल में, तो ये था यहाँ पर माइलेज टेस्ट ऑफ ऑल न्यू बजाज सिटी 125X। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।